ब्रिटेन से चागोस द्वीप हासिल करने के बाद मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने भारत सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी साथी देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया है। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशियस के बीच लगभग 50 सालों से विवाद चल रहा था। भारत दोनों के बीच लंबे समय से इस समझौते की कोशिश कर रहा था। मॉरिशियस के पीएम ने इस साल जुलाई में इस मामले में समर्थन देने के लिए भी भारत का आभार जताया था। ब्रिटेन और मॉरिशियस ने 60 द्वीपों से मिलकर बने चागोस द्वीप समूह को लेकर गुरुवार को एक समझौता किया। इसके मुताबिक चागोस द्वीप मॉरिशियस को दिया जाएगा। चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया आइलैंड भी है। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट मिलिट्री बेस बना रखा है। समझौते के मुताबिक 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहां पर बना रहेगा। 1968 में मॉरिशियस को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी, लेकिन ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर अपना दावा नहीं छोड़ा था। मॉरिशियस का दावा था कि यह द्वीप उसका है। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र में चागोस द्वीप को लेकर वोटिंग हुई थी। I had the opportunity to reiterate our deep gratitude for India's unflinching support to the long-standing struggle of Mauritius to complete our decolonization process so that we can effectively exercise our sovereignty over our entire territory, including the Chagos Archipelago.